नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंह लग्न वालों का जो स्वामी ग्रह होता है सूर्य, तो अब इस पूरे महीने, अब शुरुआती दौर के अंदर क्या होगा कि सूर्य आपके 12वें भाव में 15 तारीख तक रहेगा। उसके बाद सूर्य परिवर्तित हो जाएगा और वो आ जाएगा लग्न में। तो देखिए, शुरुआत में आप बहुत ही कार्यशील रहेंगे, मगर आपको यूं महसूस होगा कि जितना हम कर रहे हैं और हमारी जो क्षमता है उतना हमें मिल नहीं रहा, और जो प्रमोशंस और ये सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्य क्षमता की ऊर्जा इतनी हाई लेवल पे है। क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल है सिंह राशि का। अब सिंह राशि का जो मंगल होता है वो बहुत ऊर्जावान होता है, और लग्नेश का 12वें भाव में जाने के कारण शुरुआती दौर में आपको ऐसा महसूस होगा कि कार्य क्षमता के अनुसार नहीं मिल रहा है, मगर जैसे ही सूर्य लग्न में आ जाएगा तब सूर्य, मंगल और बुध इन तीनों की युति बनने वाली है। तो ये युति के कारण आपके आत्मविश्वास के ऊपर एक चरम सीमा बन जाएगी। जैसे कि शुरू से मंगल तो स्थित है ही, इसलिए आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का कहते हैं ना, एक ओज रहेगा। आप सबके अंदर एक प्रकाशित व्यक्ति की तरह, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की रहेगी। तो ये पोजीशन को बीट करना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, उतनी ऊर्जा अभी आपके अंदर बनी हुई है। तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, सूर्य मंगल और ये बुध की जो युति है, वो अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, एक एक्सेप्शनल पोजीशन बन रही है। आप कोई सोलर प्लांट रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन है। आत्मविश्वास, ऊर्जा का फ्लो बहुत हाई रहेगा। आप खुद महसूस करेंगे, आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, इस महीने आपके कॉन्फिडेंस के अंदर एक अलग ही लेवल हो जाएगा। और आत्मविश्वास तो है, टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु मंगल का जो ये दृष्टि संबंध बन रहा है वो ऑनलाइन एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड में अगर हैं, और अगर स्टूडेंट हैं आप, तो मेडिकल फील्ड वालों के लिए ये बहुत ज़ोरदार पोजीशन है। आप अगर ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो ये बेस्ट पोजीशन है। और मेडिकल के अंदर तो जा रहे हैं, पर टेक्निकल में कोई एडवांस रिसर्च की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो ये लग्न के अंदर आने वाली जो ये ऊर्जा है, ये फ्लो है, वो आपको बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर जाएगी। ये महीने का बेस्ट चूज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की राशि है सिंह, और सिंह राशि वालों की ऊर्जा के साथ कोई जल्दी मैच नहीं हो सकता, और मंगल उसमें स्थित है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना गजब का उसका फ्लो होगा। देखिए, दूसरे घर का स्वामी बुध है, और 11वें भाव का स्वामी भी बुध है, तो जो आपकी वाणी है, शुरू के 10 दिन के अंदर आपकी वाणी में एक अलग ही सौम्यता रहेगी। और बुध प्रेजेंट होने के कारण, बुध 9 तारीख से 26 तारीख तक आपके लग्न में है, तो देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन कोई फाइनेंस से रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, जो आपके फैमिली वालों के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी पोजिशन है। और स्पेशली जो शुक्र है, 11 तारीख के बाद चेंज हो जाएगा, तो देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, प्लस आपके कार्य सब कुछ बहुत ही परफेक्ट वे में हो रहे हैं, और आप एक अपर क्लास के अंदर जिएंगे। आपका विश्वास, आत्मविश्वास नहीं, वो अति आत्मविश्वास हो जाएगा, और इसके कारण कहीं ना कहीं कोई व्यंग्यात्मक शैली अपना मत लीजिएगा। आपके बोली में व्यंग नहीं होना चाहिए घर वालों के साथ स्पेशली। कोई भी हमारा समय अच्छा चल रहा है, मगर हमें किसी को कुछ सुनाना नहीं है, हमको सबको एक सही लेवल पे ही रखना है, और खुद को बहुत ज़्यादा हायर क्लास समझ के दूसरों को डाउन नहीं करना है। ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है।
खर्च बहुत होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद लग्जरी के पीछे खर्च करना चाहेंगे, आप घर वालों के पीछे बहुत कुछ खर्च करना चाहेंगे, ये एक घर के लिए आप कुछ एक्सपेंस करना चाहेंगे और आपके जो एक्सपेंस होंगे थोड़े लग्जूरियस होने वाले हैं, तो ये तो बनी हुई बात है। तीसरे घर का स्वामी शुक्र खुद से 12वें भाव में जा रहा है और आपका सेकंड हाउस है, तो शुक्र उसमें है नीचस्थ अवस्था में, तो 11 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको जो भी पराक्रम करते हैं तो एडवाइस लेकर कीजिएगा। वैसे कोई चिंता की बात नहीं कि तीसरे भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके 12वें यानी कि दूसरा घर है मगर खुद से 12वां है तो उसमें जा रहा है, तो घर वालों के साथ व्यंगात्मक शैली हमको नहीं अपनानी है, छोटे भाई बहनों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना है, इतना सा हमें ध्यान रखना है। पराक्रम में मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है, तो आपके निर्णय बहुत ही सटीक होंगे और गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। यात्रा संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप ट्रैवल संबंधित जो कहते हैं फॉरेन टूरिंग का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सफलता मिल सकती है। और चतुर्थ भाव का स्वामी है मंगल, वहाँ केतु बैठा हुआ है, घर से थोड़ा सा डिटैच महसूस जरूर करेंगे, जो अपने घर से बाहर कार्य करते हैं जॉब करते हैं वो अपने घर को काफ़ी मिस करेंगे और आपको लगेगा कि आप डिटैच महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा है मगर कहते हैं ना कि मेमोरीज के अंदर इंसान चला जाता है, तो वो एक ज़रूर रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, अगर कोई ऐसा केस चल रहा है कोई हेरिडिटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है और आप उसके अंदर कोई केस चल रहा है या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में। आप घर चेंज करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है, पूरा ही महीना आपके लिए बहुत गजब का कहते हैं कि सपोर्ट कर रहा है प्रोफेशनली और पर्सनली भी। देखिए और प्रॉपर्टीज से जो भी कार्य करना है, आप कमीशन संबंधित कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत गजब के फायदे बने हुए हैं, अगर कोई डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगी। देखिए और माता के साथ भी आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आपका मन मुटाव हो सकता है मगर आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगर कोई भी बात है तो आप उसको बात करके सुलझाने की जरूर कोशिश करेंगे, तो एक प्लस पॉइंट है। देखिए पंचम भाव का स्वामी गुरु होकर खुद से तीसरे भाव में जा रहा है और वो आपका सप्तम भाव है और वो गुरु वहाँ वक्री हो रहा है, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं अगर मैरिज को लेकर कोई प्रपोजल आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाएगा और वो व्यक्ति भी आपको समझने वाला होगा, आपकी इस तरह की कोई भी इच्छा है तो ये महीना आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। आप लव मैरिज की तरफ भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अति आत्मविश्वास के कारण इस चीज़ से आपको बचना है, बोलने के अंदर बहुत ही विनम्रता रखनी चाहिए और कोई भी संबंध को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे नम्रता से आगे बढ़ाइएगा, सामने वाला आपकी भावनाओं को ज़रूर समझेगा और 100% अगर इस तरह की कोई परिस्थिति है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छी परिस्थिति है, और अगर ऐसा मैरिज का कोई इच्छा है तो वो होने की पूरी शक्यता है। और अगर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं तो टीचिंग संबंधित कोई एजुकेशन, मेडिकल संबंधित एजुकेशन, आईटी संबंधित एजुकेशन ले सकते हैं और ट्यूशन क्लासेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और ये जो संबंध बन रहा है, आप गवर्नमेंट का कोई भी जॉब देना चाहते हैं या ऐसा कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, टेक्निकली आईटी वालों के लिए तो बहुत ही एक्सेप्शन, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट इस तरह का कुछ कहते हैं ना कि एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको इस तरह का चुनाव ज़रूर करना चाहिए। मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शनि आपके छठे घर में है और वहीं पर वक्र अवस्था में है, तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं गैस संबंधित समस्याएं दे देता है मगर ये शनि आपके दुश्मनों को कभी हावी नहीं होने देगा। अब ये शनि की पूरी दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ रही है तो वो रिसर्च संबंधित कार्य में आपको सफलता दे रहा है,
और इसकी दृष्टि आपके 12वें भाव में भी पड़ रही है। तो 12वां भाव तो विदेश का होता है, तो विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता 100% मिल रही है। विदेश जाना चाहते हैं तो काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, कर लेना चाहिए। ये टाइम मतलब हर तरह से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वाणी में अग्रेशन नहीं होना चाहिए, अग्रेशन इसलिए बोल रही हूँ मंगल लग्न में है, तो कभी कभी क्या है कि ऊर्जा अति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो बोलने के अंदर गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। अग्रेशन नहीं, प्यार से बात करनी है और हमारा कार्य हमको सफलता से करना है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। अब ये गुरु सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, तो अगर कोई पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी बनी हुई, नया कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है ये गुरु। और इस गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पे भी पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में भी आपको सफलता दे रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपके अष्टम भाव का स्वामी भी गुरु है, तो रिसर्च बहुत अच्छा करवा रहा है। आप अगर कोई प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। नवम भाव का स्वामी मंगल है और वो खुद से लग्न में बैठा है, तो नवमेश होकर वो लग्न में बैठा है और सिंह राशि में है, तो आप PhD करना चाहते हैं, आप फॉरेन जाकर अगर कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं मेडिकल में, IT में, कोई प्रोफेशनली आप उसके अंदर बहुत हाई लेवल की स्टडीज में जाना चाहते हैं, पहले रुक गया था आपकी स्टडीज और अब वापस से शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको कर लेना चाहिए। और फॉरेन जाकर इस तरह का कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करके निकल जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। स्टडीज़ के लिए हर तरह से सपोर्टिव पोजीशन है, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। और दशम भाव का स्वामी है शुक्र, वो 10 तारीख के बाद बदल जाएगा और वो खुद से पंचम में और वो भी धन भाव में है, तो ये जो शुक्र है दूसरे भाव में चला जाएगा आफ्टर 10th August, तो मतलब 11th अगस्त को वो ऑलमोस्ट चला ही जाएगा सेकंड हाउस में और वो नीचेस्ट पोजीशन में है। तो शुरुआत में क्या होगा, कोई भी कार्य करेंगे बहुत आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर न मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक भ्रमित अवस्था होगी, भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि ये राहु आपको कभी कभी एक अज्ञात भय में डाल देता है कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको बहुत सफलता के योग बने हुए हैं, इसलिए ये राहु की भ्रम में मत पड़िए, आपको बहुत हेल्प जरूर कर रहा है ये राहु, आपके काम में एक अलग ही ऊर्जा बना रहा है, आपको काफ़ी बिजनेस भी दिला रहा है, मगर भ्रम तो वो डालता ही है, आपको एक डर दे देता है, तो डर में मत जिएगा। धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे आफ्टर 16th August, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और लाभ का स्वामी खुद आपके लग्न में बैठा है, हर तरह के लाभ, धन से रिलेटेड बहुत लाभ हैं, आप एक्सपेंस भी इतना करेंगे मगर खर्च के साथ आपकी इनकम भी जबरदस्त बनी हुई है, तो ये महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, अपनी ऊर्जा को बहुत बना के रखिएगा, हर कार्य में आपकी सफलता बनी हुई है, तो ये महीना का आपको जितना बेस्ट यूज़ करना चाहिए तो करना चाहिए। आफ्टर 16th August तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके ग्रह बने हुए हैं, तो जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आपको कर लेना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मगर सब कहते हैं कि कुछ रेमेडीज भी बताइए। देखिए इस पूरी परिस्थिति में बहुत अच्छा है, अगर आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगी तो यही कि अगर कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आप उसमें आपके पिता की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। सूर्य को जल अर्पित सिंह लग्न वालों को हमेशा ही करना चाहिए 12 महीने तक हमेशा, क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका लग्नेश है, तो हमेशा सूर्य को जल अर्पित कीजिए, पिता की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आप सफल, आप डबल सफल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके कारण आप कोई भी कार्य करते हैं उस सिंह लग्न वालों के लिए पिता की एडवाइस से वो सफल जल्दी होता है, और ये एक बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुरु से, गुरु वक्र होने के कारण अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य में डिले हो रहा है, तो गायों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, गाय को घास खिलाइए, गुड़ चने की दाल गुरुवार को खिलाइए, ये बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि वो आपको, आपके सप्तम भाव में है, तो आपकी जो रेगुलर इनकम है वो बहुत, उसका फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये रेमेडी आपको ज़रूर करना चाहिए। 5 और 20 तारीख को, 20 अगस्त को प्रदोष है,
प्रदोष का व्रत जरूर कीजिए। अगर कोई विदेश संबंधित कार्य में आप अटक रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो प्रदोष का व्रत कीजिए, बहुत अच्छा है। आपका चंद्र 6-8-12 में भी होगा तो आपका ये कार्य अटक रहा है तो वो हो जाएगा। तो 5 और 20 अगस्त को ये याद रख के करिएगा और शिव जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का जप करना भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।